हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग आगे देख सकते हैं, आज की वीडियो जो है वो इसी टॉपिक पे, ये जो सामान आगे रखा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे ये सामान है क्या, तो पहले आप ये सामान देख लो, उसके बाद में आगे बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये है नुवान। इसकी जो वीडियो है वो मैं पहले भी शॉर्ट वीडियो बना चुका हूँ इस दवा की। तो दोस्तों ये कीड़े मारने के लिए होती है, जो पिजन्स की जाली में कीड़े हो जाते हैं उनके रुझ हो जाती हैं और बहुत सारे लॉफ्ट में कीड़े हो जाते हैं नए नए तरीके के। तो उससे क्या होता है कि कबूतरों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो ये उन कीड़ों को मारने के लिए दवा है। इसके साथ साथ हमको एक सिरिंज की ज़रूरत पड़ेगी, एक मास्क की ज़रूरत, ये मस्ट है, ये आपको लगाई के करना है। बिना इसके लगाए आपको ये दवा जो है वो नहीं डालनी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। और ये फुहारा मैंने ले लिया था, सिर्फ आपको ये लेना है, पूरा फुहारा नहीं लेना। और इस बॉटल में ये लग जाएगा ईजिली, ऐसे करके इसमें फिट हो जाएगा, वो मैं अभी आपको फिट करके दिखाऊंगा। और ये आपको जो है 1 लीटर की बॉटल चाहिए, किसी भी जैसी कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो आपको मिलती है, 1 लीटर की कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल चलेगी। तो आपको 1 लीटर की बॉटल ले लेना है, और उसमें कितना ये डालना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों बने रहिए। तो दोस्तों सामान तो आपने देख ही लिया होगा। दोस्तों ये दवा जो है ये अभी हम लोग छिड़केंगे लॉन्ग के अंदर, जिससे सारे कीड़े जो है वो मर जाएंगे दोस्तों। और इसलिए मैंने लॉन्ग वीडियो बनाई, क्योंकि ये लॉन्ग वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि कोई भी भाई हमारा जो है वो शॉर्ट्स वीडियो देखकर इस दवा को ऐसी ना डालने चला जाए। क्योंकि जो मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाली है उसके एंड में मैंने एक पूरा डिस्क्लाइमर लिखा हुआ है, उस पर पूरी डिटेल लिखी हुई है कि इस दवा को कैसे आपको डालना है। तो बहुत से भाई हमारे पढ़ते हैं और बहुत से नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से जो नहीं पढ़ते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मजबूरन मुझे लॉन्ग वीडियो बनाना पड़ी, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ कि ये दवा जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको हम काट लेते हैं इसके बराबर, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा हम लोग डाल देंगे तो स्प्रे नहीं होगा। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा काट लेते हैं ताकि ये इसमें फिट आ जाए। दोस्तों देखिए इतना काट लिया है, और इतना काटने के बाद अब ये बिल्कुल फिट आएगा, ईजिली इस बॉटल में फिट हो जाता है। दोस्तों देखिए ये बहुत अच्छे से फिट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसमें दवा मिला लेते हैं। दवा बताते हैं कि आपको कितनी दवा और कैसे मिलानी है। तो इसको मिलाने के लिए देखिए मेरे पास ये सिरिंज है, ये पिजन के लिए स्पेशली बनी हुई है, उनको खाना खिलाने के लिए। आप कोई सी भी सिरिंज ले सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, सेफ्टी पहले करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होती है दवा, तो इसमें सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसका काफ़ी ध्यान रखिएगा आप लोग भी, बिना सेफ्टी के आप इसको जो है बिल्कुल यूज़ ना करिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है ये दवा। मैंने मास्क लगा लिया है, उसके बाद ही इस दवा को यूज़ करूँगा। तो दोस्तों देखिए इस दवा को जो है वो हम इस तरीके से सिरिंज में भर लेंगे। एक सिरिंज आपको भर के डालनी है, ये देखिए इसका कलर बदलने लगा है, दूध की तरह हो जाएगा अभी ये कलर बिल्कुल। और दूसरी सिरिंज को पूरा नहीं भरना है, इतना भरना है, फॉन भरना है दूसरी वाली सिरिंज को। तो एक पूरी और एक फॉन 1 लीटर पानी में आपको डालनी है। तो पहले इसको लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये फिट हो चुका है। हम इस दवा को जो है बहुत अच्छे से, जैसे ही हमने इसको निकाला था वैसे ही हम इसको पैक करेंगे। तो इसको आपको बिल्कुल अलग रखना है, और कोशिश करिएगा अगर काम हो जाए इस दवा का तो आप घर में बची हुई दवा रखे ही मत, इसको फेंक दीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेंजर होती है, कभी भी धोखा हो सकता है। तो दोस्तों इस दवा का नाम है नुवान, ये देखिए आपको दिख रहा होगा नुवान नाम है इस दवा का। और ये आपको बीज भंडार पे मिल जाएगी, जो बीज भंडार की दुकानें होती हैं उस पे आपको मिल जाएगी। और इसका प्राइस होने वाला है 150 रुपये की आपको ये मिलेगी। करीब 80 या 70-80 कबूतर है, तो ये 10-11 बार आपके काम आ सकती है। देखिए हमारी दवा जो है वो तैयार है। अब हम इसको क्या करेंगे, शेक करेंगे, इसको आप शेक करें अच्छे से मिला लें। तो दोस्तों 2 से 3 मिनट शेक करने के बाद अब अच्छे से ये दवा जो है मिल चुकी है, डालने लायक हो चुकी है। और डालने से पहले आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, अपनी लॉफ्ट आप ज़रूर साफ़ कर लीजिएगा। बिना लॉफ्ट को साफ़ करे ये दवा मत डालिएगा, क्योंकि कबूतरों का बीट होती है उसके नीचे कीड़े जो है वो बच जाते हैं, उन तक ये दवा नहीं पहुँच पाती है, ऊपर वाले जितने कीड़े हैं सब मर जाते हैं। तो कोशिश करिएगा आप अपनी लॉफ्ट को बिल्कुल क्लीन कर लें। क्लीन करने के बाद जहाँ जहाँ भी कीड़े हैं, कोनों में छुपे हुए, किसी दीवार के कोनों में घुसे हुए हैं, सब निकल के मरेंगे। बस बीट को आप अच्छे से निकाल लीजिएगा, साफ़ कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप ये दवा छिड़किएगा। कबूतर के परों में किसी भी तरीके का कीड़ा है, वो कीड़ा जो है वो
मर जाएगा क्योंकि मैं एक बार डाल चुका हूँ ऑलरेडी, इसलिए मैं दोबारा आपको सिर्फ बताने के लिए ये दवा डाल रहा हूँ। तो कम से कम 6-7 महीने आपके कबूतरों के कीड़े होने नहीं वाले हैं। बाहर का अगर कोई कबूतर आ जाता है, पकड़ा हुआ कबूतर, उससे तो फैल सकते हैं आप। तो दोस्तों चलिए अब इस दवा को हम डाल लेते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं लॉफ्ट के अंदर। तो लॉफ्ट के अंदर हम आ चुके हैं, हमने क्योंकि अभी दवा डाली थी, दूसरी बार डाल रहे हैं, तो हमारी जाली इतनी अच्छे से तो नहीं साफ है, मगर साफ है, वीट जो है वो जमी भी नहीं है। तो आप जब डालिएगा फर्स्ट टाइम तो अपनी लॉफ्ट को अच्छे से साफ करिएगा। देखिए अब हम आपको डालकर दिखाते हैं, कोने कोने में आपको हर जगह स्प्रे कर देना है। इस तरीके से आपको जो है फुहारा मारना है, अंदर भी फुहारा मारना है आपको। पहले हम दवा डाल लेते हैं, पूरे में स्प्रे कर लेते हैं अच्छे से, फिर लास्ट में हम आपको पूरी डिटेल अच्छे से और देंगे। तो दोस्तों दवा पड़ चुकी है, देखिए बोतल पूरी खाली हो चुकी है। तो दोस्तों दवा पड़ चुकी है, मास्क हटा लेते हैं। काफी ज्यादा मेहनत लगी, देर लगी, आंखों में भी हल्की सी जलन हो रही है। एक राय और दूंगा, चश्मा अगर आपके पास हो तो चश्मा भी जरूर लगाइएगा। दवा का जो तरीका मैंने आपको बताया था उसी तरीके से दवा डालिएगा। ये नाम है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, दवा का नुबान। और ये फुहारा जो है वो आपको मिल जाएगा जो बालवरी वाली दुकानें होती हैं जिसमें कलर वगैरह मिलते हैं, हेयर कलर वगैरह, ये आपको वहाँ मिल जाएगा। इजिली 20 रुपए का मिलता है ये। किसी भी बोतल पे आप लगा कर इसको जो है वो स्प्रे कर दीजिए। एक चीज बहुत ध्यान रखने की है, स्प्रे करने के बाद आपको कबूतरों को तुरंत नहीं अंदर जाने देना है, आपको आधे घंटे बाद, कम से कम आधे घंटे के बाद आपको कबूतरों को लॉफ्ट के अंदर जाने देना है, बल्कि अगर एक घंटा हो जाए तो ज्यादा अच्छा। और स्प्रे जब भी करिएगा ध्यान रखिएगा दोपहर बाद करिएगा, सुबह में स्प्रे मत करिएगा। जो शाम का दाना आप डालते हैं कबूतरों को बाहर निकाल के दाना पानी खिलाइएगा और अंदर लॉफ्ट को स्प्रे कर दीजिएगा। एक घंटे के बाद कबूतरों को अंदर जाने दीजिएगा, पूरी रात भर दवा का असर रहेगा, सारी रुज जो है कीड़े वगैरह सब मर जाएंगे। अगर आप सुबह से डालोगे तो कबूतर 2-3 बार खुलते हैं तो उससे असर कम होगा। रात में कबूतर दाना पानी खाने के बाद सीधा लॉफ्ट के अंदर ही रहता है सुबह तक, तो दवा बहुत अच्छे से काम करेगी। तो ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी बनाना, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैंने डिटेल में बता दिया है पूरा। अगर आपको यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको ये दवा कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।